हेलो एवरीवन, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हमारे पास आफ्टर बड़े दिनों बाद लॉकडाउन के बाद शंभुदा अपने तबले कुछ खिचड़ी करवाने और एक न्यू तबला इन्होंने अभी बनवाया है शंभुदा ने, जो इनके हाथ में है। तो बस थोड़ा सा आप लोग टोन सुनिए और कैसा है और शंभुदा का बजाना माशाल्लाह आप सब लोग जानते हैं। शानदार, अब मजा आ जाएगा। टोन इतना बढ़िया आ रहा है। क्या बात, थैंक यू भाई। और ये शंभुदा का पुराना वाला तबला, इसका साउंड भी सुन लीजिए आप। हाँ, ये एक्चुअली है सी शार्प डी का तबला, लेकिन इस समय सी के आसपास मिला हुआ है। नहीं सॉरी, ये बी फ्लैट का तबला, ये भी नया ही है समझो, जस्ट इस लॉकडाउन से पहले का ही है। ये तो खिंचे के लिए है, लेकिन ये सी में आ गया है अभी, तो इसका भी थोड़ा सा हुआ है इसको, थोड़ा सा इसका भी साउंड। सो अब शंभुदा का तीनों तबले हो गए हैं, इसमें इसमें थोड़ा खिंची लग के बैलेंस हो जाएगा अभी, तो आ जाएगा अपनी जगह में। अभी सी में, अभी सी में है एक्चुअली। सी शार्प डी में तो बहुत ही शानदार बोलता है एकदम, थोड़ा ये एक्चुअली ड्यूरेबिलिटी जो मेन हमारे तबले में हम कोशिश करते हैं कि साउंड क्वालिटी बरकरार रहे। सी में भी इतना बढ़िया आ रहा है। उस्ताद कासिम खान नियाजी जी से हमने काम सीखा है और आज हम तीनों भाइयों का काम आप लोग हर वीडियो में देखते रहते हैं और आप लोग इतना पसंद करते हैं, इतना मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और न्यू आते हैं वो भी ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे शंभुदा के तबले सुनने का मौका मिलता है। शंभुदा का बजाना इतना बेहतरीन है, लाजवाब। दिल्ली में बहुत कम लोग हैं जो इतना मतलब सूझबूझ वाले होते हैं, जहाँ साउंड की क्वालिटी की बहुत नॉलेज होती है, और ऐसे ही लोग हैं कि आप लोग भी इतना प्यार दे रहे हैं। और हमारे उस्ताद जो है कासिम खान नियाजी सर, अव्वल वही हैं कि आज उनके बच्चों से बुजुर्ग बुड्ढे बुड्ढे लोग जितने भी हैं वो सीखना चाहते हैं तबला बनाना हम लोगों से। और हम ऐसे जितने भी बुड्ढे लोग हैं उनसे उनको मोस्ट वेलकम कहते हैं कि आके हमसे गंडे बंधवाएं और काम सीखें, क्योंकि काम सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। बहुत सारे फ़ोन करते हैं, क्योंकि दिल्ली में हमारे फादर क्या पूरे हिंदुस्तान में पूरे हमारे फादर को आइडल मानते हैं तबला मेकिंग में, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे बेस्ट कहते हैं कि किंग एक आप लोगों ने ही बनाया है, कि वो तबला मेकिंग के किंग हैं, कि जिन्हें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से अवार्ड मिला हुआ है संगीत नाटक एकेडमी, और ये संगीत की फील्ड संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड की अहमियत तो पूरी विश्व को सभी जानते होंगे कि संगीत की फील्ड का सबसे बड़ा अवार्ड है, इससे बड़ा कोई अवार्ड ही नहीं होता है। तो तबला मेकिंग में आपने हमें किंग बना रखा है। और ये शंभुदा के खुद के एक्सपीरियंस है, मैं कुछ 91-92 से कासिम भाई के पास आ रहा हूँ, और उस टाइम कासिम भाई काम करते थे से महमूद, बस उस समय था, मैं तब से देख रहा हूँ
उसके बाद ये बच्चे भी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया। और मैं इतने सालों से आ रहा हूँ, मुझे कभी ऐसा मतलब इन्होंने कभी डाउन नहीं किया कि तबला बेकार दे दिया या कुछ, कभी कभी नहीं। और मेरे सामने मैंने जितनों को भी देखा है अच्छा ही तबला देते हुए देखा है, ऐसा कभी नहीं कि धोखाधड़ी किसी को भी चेप दिया कुछ भी, ऐसा नहीं है। बहुत ही अच्छा काम है, बेहतरीन काम है। और शंभू दा यहाँ पे आज 30 ईयर्स तो अप्रोक्सीमेटली हो चुके हैं, तो 30 साल में यहाँ पे दिल्ली में कोई तबला बनाना जानता भी नहीं था हमारे फादर के अलावा। आज जितने भी शागिर्द आपको दिख रहे हैं पूरी दिल्ली में बैठे हुए, हम सब हमारे फादर को देख के फॉलो करना सीखे हैं। काम सीखे नहीं है, सिर्फ नकल करना सीखे हैं। तो काम करना सीखे। आज वो लोगों के फोन आते हैं कि हमें शागिर्द कर ले। देखिए, शागिर्द बनने के लिए पहले ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। चाहे वो बुड्ढा आदमी हो जाए, जरूरी नहीं कि तजुर्बा आ जाए। बुड्ढा हो गया तो मतलब एक तजुर्बा आ जाता है। ऐसा कुछ किसी भी फील्ड के लिए है। हाँ, हर फील्ड के लिए है। आपको पहले काम सीखना पड़ेगा, अच्छे सीखना पड़ेगा, बिल्कुल अच्छे से ग्राउंड लेवल पे आगे सीखना पड़ता है। ये नहीं है कि बुजुर्ग हो गए, बुड्ढे हो गए तो कुछ भी बोल दिया। पूरी दिल्ली में हमारे फादर के ही शागिर्द नजर आएंगे आपको, जो हमारे फादर को देख के नकल करके काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और नकल करके काम नहीं आता, पहले काम सीखे और उनके बच्चों से ही सीखे। मैं तो ये कहूँगा, हमारे फादर खुद बोलते हैं कि बेटा तुम्हें ऐसे काबिल उन्होंने कोशिश करी है कि आप लोग पसंद करते हैं। हम अभी कुछ नहीं है, ये आप लोगों का प्यार है कि आप हमारे तबले के साउंड को पसंद करते हैं। शंभू दा ऐसे लोग हमारे काम को पसंद करते हैं कि इनको कहीं भी पूरी दिल्ली में कोई सेटिस्फाइड नहीं कर पाता। ये इनका प्यार है कि ये हर जगह जो है तबला बजाते हैं, तो इनसे अभी लोग पूछते हैं। अभी तो बहुत सारे तबला मेकर्स निकल आए हैं पता नहीं कहाँ से, लेकिन एक्चुअली जो लक्ष्मीनगर में 2-3 लोग थे उस समय, उसके बाद अब धीरे 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 बढ़ते गए। पता नहीं अब पूरी दिल्ली में मैंने सुना कि अलग अलग जगह मिलता है, जिन्हें काम भी नहीं आता रेडीमेड पूरी चढ़ानी आती है। Somehow वो जो है, मुझे वो शक्ल देखना भी नहीं है। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द तबला जो मुझे यहाँ मिल रहा है। और साउंड क्वालिटी दोस्तों आपको खुद समझ आती है। और अगर तबले का साउंड अच्छा नहीं होता तो मुझे बजाने में मजा नहीं आता, वो तबला मैं छूंगा भी नहीं। तो थैंक यू वेरी मच, मुझे ये जो ये लोग काम करके देते हैं इसके लिए तह दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर। और ये किन के तबले थे? बप्पी भाई। बप्पी भाई के तबले, थोड़ा सा शंभू दा दोनों तबलों प्लीज कभी साउंड अगर इसमें। बप्पी भाई आपके तबले हैं, प्लीज आप भी हेडफोन लगा के सुन लीजिए। सी शार्प और डी का ये वाला तबला है, ये न्यू, ये भी बहुत अच्छा तबला बोल रहे हैं। मैं काफी देर बजाया है इसको, कुछ 1:30 बजे से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और इस समय 6 बज गए। तो मेरे आते ही पहले इसने मुझे तबला एक है, देखो शंभू भाई ये कैसा बना है, बहुत ही बेहतरीन बोल रहा है। बजाना
हम सीख पाए। बनाने के लिए जितना जरूरी है उतना ही बहुत है। पर एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि सब रहे कैसे भी कमाई को तो आता है दाते के दाते के दाते के दाते के तो दोस्तों कैसा लगा आपको साउंड? और मैं स्पेशली बोलता रहता हूँ शंभुदा जैसा ग्रेट आर्टिस्ट और एक बहुत अच्छे टीचर भी हैं, तो जितने लोग अगर शंभुदा से कांटेक्ट भी करना चाहते हैं तो वो मुझसे आप व्हाट्सअप के थ्रू उनका नंबर भी ले सकते हैं परफॉर्मेंस कराने के लिए या फिर सीखने के लिए, क्योंकि शंभुदा जैसे आर्टिस्ट हैं। क्योंकि हम जितनी बार भी इनके आप कॉन्सर्ट सुनेंगे, मधु मुदगल जी जो है पद्म श्री, उनके ज़्यादातर कॉन्सर्ट आप YouTube पर देखेंगे शंभुदा ही तबला बजाते हैं मोस्टली। और जितने भी मतलब और आर्टिस्ट हैं शंभुदा ने परिक्रमा बैंड के साथ भी जो है उसमें भी तबलिस्ट है, और बहुत सारे गुणीजन जितने भी लोग हैं सभी शंभुदा को जानते हैं क्योंकि इनका काम कितने ग्रेट है इतना तो पता नहीं है। साउंड मुझे समझ आता है कि अगर साउंड अच्छा नहीं आ रहा तबले से वो तबला कितनी देर बजा सकते हैं, बिल्कुल मन ही नहीं करता, छूने का ही मन नहीं करता। साउंड जो अच्छा दे रहे वही मेरे हिसाब से बेस्ट तबला मेकर। देखिए तबले का ये जो और तबला हाँ मिलना चाहिए अच्छे से, सिर्फ साउंड नहीं सुर जो है अच्छे से आना चाहिए, थाप चाट बिल्कुल बराबर होना चाहिए, नहीं तो फिर परेशान करता रहेगा। शंभुदा की स्पेशलिटी भी है, इनके पास 6 बाएं हैं और 6 के 6 बॉम्बे स्पेशली हैंडमेड है। मैंने इनको एक बार बोला कि ये वाला कॉपी ये रखा हुआ जो पूरी ऑल ओवर दिल्ली में बिकता है जो मशीन मेड बाया होता है, मैंने शंभुदा ये वाला ले लीजिए, तो शंभुदा ने कहा कि भाई अगर 2 पैसे ज़्यादा देंगे वो साउंड के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। भैया ऐसा है अच्छी अच्छी चीज़ का अगर मज़ा एक बार आ गया ना बस वही वाली, फिर आप नहीं आ सकते सस्ती चीज़ों में, बाकी चाहे कितना भी महंगा हो अच्छा ही चाहिए होता है। और शंभुदा कभी कंप्रोमाइज़ करते नहीं है, और बहुत सारे लोग भी हैं जो कंप्रोमाइज़ नहीं करते जो हमसे जुड़े हुए हैं जो टॉप ग्रेट आर्टिस्ट नहीं है वो लोग। बात यह है कॉम्प्रोमाइज़ किस लिए करना है, जब यही करके जीना है यही मन की चीज है यही मतलब खान पान सब कुछ यही दे रहा है तो इसके यहाँ पे कंप्रोमाइज क्यों करना है। ये बहुत अच्छी बात बोली, यही बात है दोस्तों कि साउंड से आपका आपकी जीत ही साउंड है, और आपके तबले में अगर साउंड क्वालिटी है तो आपकी ऑडियंस है, और जब आपके पास साउंड क्वालिटी नहीं है तो आपकी ऑडियंस कैसे आपको लाइक करेगी। आप कितने भी अच्छा बजाते हो अगर तबला अच्छा नहीं है ठीक नहीं है तो आपका बजाना क्या आधा हो जाता है, आधा बिल्कुल बिल्कुल। ताकत लगाते रहो क्या फर्क पड़ेगा, वो क्वालिटी नहीं आएगी साउंड में, तो अगर नहीं आई तो क्वालिटी फिर आपका बेकार हो गया ना सब कुछ, आपकी आपने जो इतना मेहनत किया है इतना समय से तो सारा बेकार हो जाता है। तबला अगर डिस्टर्ब कर रहा है स्टेज पे तो उससे भी बेकार होता है। बिल्कुल बिल्कुल यही सब चीज़ें हैं, सारा मूड बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल शंभुदा एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है इसलिए इस बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, और आप लोग जो बनने वाले हैं फ्यूचर के वो भी प्लीज़ इस बातों को सीखिए जो शंभुदा ने इतनी बड़ी गहरी बात बताई है, क्योंकि शंभुदा को थैंक यू कहना चाहिए कि आप लोगों को इतनी अहम जानकारी आज शंभुदा ने अपने समझ लो पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। शंभुदा लास्ट पे थोड़ा सा प्लीज एक लाइट का बजा दीजिए और फिर हम ऑडियंस से इजाज़त चाहते हैं बस थोड़ा सा, क्योंकि आपके चाहने वाले बहुत है तबला जो आपको पसंद करते हैं। ऑलरेडी सब्सक्राइब है इस वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए और प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन ऑल्सो, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स बताती है लाइक करना बताता है कि आप कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं, और आपकी यही सपोर्ट हमें और अच्छे से अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करती है ताकि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक को हम अपनी और ऊँचाई पर ले जा सकें। बस आप लोगों का साथ रहे, आप लोगों का प्यार रहे, और आप लोग सपोर्ट करते रहिए, और शंभुदा का बहुत थैंक यू कि हमारे कहने पे इतना अच्छा अच्छा कायदे बजा देते हैं। थैंक यू तुम लोगों ने इतना अच्छा तबला बना के दिया मुझे, मेरे पास फॉर योर इन्फॉर्मेशन मेरे पास 25 तबले हैं सारे के सारे इनके बने हुए हैं। इनका प्यार है तो बस हमें भी सपोर्ट दीजिए, और शंभुदा जैसे ग्रेट आर्टिस्ट को तो खासकर सपोर्ट दीजिए, क्योंकि इतना अच्छा तबला बजाते हैं। इनका तबला बहुत सारे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि शंभुदा आए तो जरूर बजवाया कीजिए, मैंने इनकी रिक्वेस्ट पूरी भी कर देता हूँ, बस ऐसे ही बस आप लोग प्यार देते रहिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, आदाब नमस्कार सत श्री अकाल।